और अभी मैं आप लोगों को गुड न्यूज भी बता दूं कि दो बंदों की नीड है इटली में काम करने के लिए, कि मैं आप लोगों को अपने दोस्त की सैलरी स्लिप भी दिखाने लगा हूं कि ये इटली में कितने पैसे कमा लेता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आप इटली में कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, एग्रीकल्चर या फैक्ट्री में या फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो आप कितने पैसे इटली में कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यार, हम अगर एग्रीकल्चर में काम करते हैं या रेस्टोरेंट में तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यार, जिसको रिप्लाई नहीं आता तो वो आप लोग दोबारा मैसेज कर दिया करो, क्योंकि मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं सबको रिप्लाई दूं, और एक दिन में 40 लोगों को मैंने हर हाल में रिप्लाई देना होता है, ये मेरी एवरेज है। तो जी, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि इटली अपना बॉर्डर स्विट्जरलैंड के साथ शेयर करता है, और फ्रांस के साथ शेयर करता है, और ऑस्ट्रिया के साथ भी शेयर करता है। तो जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इटली में पिज़्ज़ा, पास्ता और रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जनाब, अगर आप वहाँ पे आप काम करते हैं और गोरे लोगों के पास काम करते हैं और आपको वो पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह काम आता है, आप आराम से 1400 से 1600 यूरो भी कमा लेंगे, और एक आध दिन छुट्टी होती है और 8 से 9 घंटे काम होता है। और अगर आप किसी एशियन के पास काम करते हैं फिर तो ड्यूटी ही बहुत लंबी होती है यहाँ पे इटली में, क्योंकि वो आपसे 10-10 12-12 घंटे काम लेते हैं रेस्टोरेंट में, ये वो। लेकिन मोस्टली अगर आप किसी देसी के पास काम करें इटली में तो वो आपको 1000-1100 तक देता है, और वो भी थोड़ा रो रो के देता है। और अगर आप इटली में फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो आपको पता है फूड डिलीवरी में कभी कभी बारिश भी आ जाती है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे अगर बारिश भी हो तो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनको पैसे वगैरह चाहिए होते हैं, अपना खर्चा निकालना होता है। तो अगर आप फूड डिलीवरी में इटली में सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और आप आंधी तूफान की परवाह नहीं करते तो आप आराम से 50-60 यूरो कमा लेते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन में इटली में काम करते हो, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी मिल जाता है, एग्रीकल्चर का तो मिलता ही है, एग्रीकल्चर के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले ये चीज़ें बता दूँ। और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आती हैं, पेंट का काम आता है, ठीक है, मिस्त्री मजदूर का काम आता है, जिसको हमारे इंडिया पाकिस्तान में जैसे हम बोलते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो अगर आप वहाँ पे काम करते हो तो आपको आराम से 1300 यूरो मंथली बन जाता है। और अगर आप इटली में बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप आउट ऑफ रोमा चले जाएं, मिलान चले जाएं, मीन के आउट ऑफ सिटी चले जाएं, बड़े बड़े सिटी से आप दूर चले जाएं, तो वहाँ पे इनकी बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। और अगर वो आपको रख लें, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगती है फैक्ट्री में, वो 1400 यूरो स्टार्टिंग सैलरी लगती है पर मंथ। और जब आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो कुछ फैक्ट्रीज आपको अलाउंस भी देती हैं, ठीक है, मतलब कि वो आपको ठीक ठाक सिस्टम कर देती हैं, और आपका 1600 आराम से 1500-1600 यूरो आराम से बन जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक मसला क्या है कि आपको फैक्ट्री की जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती, ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी काम होता है जो आपके पास होते नहीं है। कभी कभी वो आपसे रेजिडेंस कार्ड भी मांग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सजोर होती है। तो जैसा कि जिन लोगों के पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होता, तो इटली में हम लोगों को सजोर वगैरह मिलती है, हम सजोर बोलते हैं। तो जनाब, कभी कभी वो सजोर के ऊपर हम लोगों को काम दे देते हैं फैक्ट्री में, कभी कभी हमसे वो पंगा करते हैं। और अगर आपको इटली में अकोमोडेशन अपनी देखनी होती है, अगर आप मेन सिटी में बड़े बड़े सिटी में चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको 2 रूम मीन के T2 अपार्टमेंट आपको जो मिलता है वो 700 से लेके 800 तक मिलता है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सिटी में जाते हैं, थोड़ा गाँव में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 500 तक भी एक छोटा सा T2 अपार्टमेंट मिल जाता है, लेकिन इतना खूबसूरत तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर 550 से 500 आप अपना बजट रखें, अगर आपने आउट ऑफ सिटीज में जाना है, मीन के थोड़े थोड़े गांव में जाना है आपने। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोग इटली में असाइलम करते हैं, ठीक है, तो जनाब असाइलम सीकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर फेंकते हैं, लेटर्स फेंकते हैं, तो उनको पर डे का 25 से 30 यूरो बन जाता है। लोग वहाँ पर ये काम भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास काम की परमिशन नहीं भी होती, तो वो बेचारे रहने के लिए, खाने पीने, गुजारा करने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो वो करता ही है। तो इटली में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती हैं, बस आपको थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अपने लेवल पे आ जाती हैं। तो आपने जनाब टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। रबी, मैं आता हूँ आपके मेन सवाल के ऊपर कि यार, मेरा दोस्त एग्रीकल्चर में काम करता है तो उसको कितनी सैलरी बन जाती है। ये ऐसे दिखाऊंगा तो शायद आपको नज़र नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप मुझे अपनी सैलरी स्लिप तनहा किया जो पेपर होता है वो मुझे सेंड कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि इटली में अगर हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो हमें कितने पैसे बन जाते हैं। तो 980 यूरो इसको सैलरी मिली है, और इसने पूरा महीना एग्रीकल्चर में काम नहीं किया, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर में कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी आंधी तूफान का मसला होता है, मौसम का बहुत अंदर अमल दखल होता है, तो इस वजह से इसने
कितने घंटे काम किया, ये पर डे 10 आवर्स काम करता था। और कभी कभी इसका बॉस इसको सैटरडे के लिए भी बुला लेता था, क्योंकि अगर सैटरडे को धूप वगैरह मौसम अच्छा होता था तो वो कॉल वगैरह इसको करते थे और ये टपक जाता था ऑफिसली, क्योंकि इसको पैसे वगैरह चाहिए और किसी को भी पैसे कमाने का मौका मिले तो वो नहीं छोड़ता। लेकिन इसने 5-10 घंटे थोड़ा ज्यादा काम किया है, उसके इसको पैसे अभी तक नहीं मिले। होप के इसको ये पैसे इसके मिल जाए तो ये हैप्पी हो जाएगा। लेकिन इसका बॉस अच्छा है, क्या पता ये इसको हाथ में दे दे या ऐसा वैसा कुछ कर दे, क्योंकि इसका बॉस बहुत अच्छा है। तो जनाब जैसा कि ये मेरा दोस्त एक सिंगल है, ठीक है, और ये शेयरिंग में रहता है, और ये शेयरिंग में 150 से 200 इसका रेंट चला जाता है, और 100 रुपया इसका खाना महीने का, तकरीबन ये 300 रुपया इसका खर्चा है, ठीक है। और ये ऊपर से सिगरेट भी पीता है, तो ये समझ लो कि इसका पूरा टोटल महीने का खर्चा तकरीबन 400 तक हो जाता है, क्योंकि सिगरेट बहुत महंगी है यहाँ पे। तो ये सारे खर्चे निकाल के भी इसके पास तकरीबन 500-550 यूरो बच जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है सिंगल लोगों के लिए। लेकिन अगर आप पूरी फैमिली के साथ हैं, पूरा टब्बर है, पूरा खानदान आप इटली में रहते हो, तो जनाब अगर आप सिर्फ हस्बैंड को ही काम करने देंगे तो आपके अखराजात थोड़ा मुश्किल से पूरे होते हैं। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं तो आप दोनों बहुत अच्छे से, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो बहुत अच्छे से आप इटली में सर्वाइव कर सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ भी बता दूं कि 2 बंदों की नीड है इटली में काम करने के लिए, और एग्रीकल्चर में काम है, लेकिन बहुत दूर है, आपको वहीं पे रहना है, वहीं पे सोना है, ठीक है। फिलहाल 2 ही बंदों की स्पेस है यार, अगर और ज़्यादा बंदों की स्पेस हो ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ 2 ही बंदे चाहिए। बाकी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी है, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपके अंगूठे में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। बाकी मुझे ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊं ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखें।